कुछ तुम्हारे लिए सरप्राइज आया हूँ, गेस करो क्या होगा। खाने की चीजें ही होंगे। खाते ही रहोगे क्या हमेशा बस? देखो यहाँ पे फोन भी है। अबे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, देहरादून में गर्मियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं एंड हमारे कॉलोनी में तो लाइट आती ही नहीं है। मतलब दिन भर लाइट गोल होता है, मतलब दिन भर लाइट ही नहीं होता है एंड बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। इतनी गर्मी तो मतलब कभी नहीं हुआ देहरादून में जो इस बार हो रही है। एंड पहले तो ऐसा होता था कि जैसे ही देहरादून में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो बारिश हो जाती थी, बट इस बार तो बारिश का नामो निशान नहीं है। लू तो इतना ही चलता है, लू तो पता ही होगा आपको, हवाएं गर्म गर्म हवाएं ज़्यादा चलती हैं। मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर बहुत ही मतलब तापमान ना इतना गर्म है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। एंड जितना हो सके उतना पानी पीजिए, अपने हेल्थ का अच्छे से देखभाल कीजिए। तो गाइज, आज मैं करने वाली हूँ एक हॉल H&M हॉल है, छोटू सा हॉल है, 2-3 सामान लिए हैं, वही दिखा देती हूँ फटाफट। जैसे कि आपको पता है लास्ट ब्लॉग में मैं H&M गई थी, मैंने कुछ सामान लिया था, तो मैं वही दिखाने वाली हूँ। शूज मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए मैंने शूज ऑर्डर कर दिया है, तो वो भी जब आएगा तब मैं दिखा दूंगी। तो आइए चलते हैं हॉल की ओर। मैंने कुछ सामान लिया था तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ। एंड ये चिड़िया की ची 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 ची, सुबह सुबह आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, आपको भी सुनने में आ रहा होगा बैकग्राउंड में, ऐसा लग रहा होगा म्यूजिक बज रहा है। तो पहला जो चीज़ है मैंने लिया है वो है ये, जो कि है ये स्वेट शर्ट। मुझे ऐसे ओवरसाइज्ड बहुत अच्छे लगते हैं एंड ये कलर बहुत ही मस्त लग रहा है, तो मैंने ले लिया था ऐसे बिना सोचे। इतनी गर्मी, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिया है, बट ये मैंने किसी बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए लिया है जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा, तो उसके लिए आपको डेली मेरा ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, देख सकते हो कितना मस्त है। ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, छोटा मोटा सामान लिया, मैं वही दिखा देती हूँ आपको। एंड दूसरा मैंने लिया है ये क्रॉप टी शर्ट। सोच रहे होंगे बच्चों का उठा के लाइए, नहीं नहीं ये बड़ों का ही है। एंड ये पूरा क्रॉप्ड है, जो मतलब ऐसे ड्राई फिट की तरह है, बहुत ही क्यूट है। तीसरा जो कि मैं मतलब बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, व्हाइट कलर का एक लोअर है, वो मैं बहुत ज़्यादा रगड़ती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा ही पहनती हूँ। एंड आप लोग मुझसे पूछते हो कि दीदी आपने कहाँ से लिया है, तो वो मैंने थ्रिफ्ट से लिया था, वो H&M का ही है। किसी ने मुझे रिकमेंड किया था ब्लॉग में ही कमेंट करके कि आप वहाँ जाना, तो मैं वहाँ गई थी, तो मैंने तब वहाँ से लिया था। एंड वो मेरा मतलब पर्सनली बहुत 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 फेवरेट है, तो मैं उसको इतना रगड़ती हूँ, रगड़ रगड़ के मैंने उसे घिस दिया है। एंड मैं दोबारा गई थी वहाँ पे ढूंढने के लिए, पर मुझे नहीं मिला। तो इसके बाद मैं H&M में गई तो मुझे वहाँ मिल गया, वो है ये लोअर। गाइज ये मेरा इतना फेवरेट है ना, एक तो ये मतलब इतना लूज़ है, एकदम बैगी टाइप का, और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने ये ब्लैक कलर में लिया है। मेरे पास व्हाइट पहले से ही है, तो मैंने सोचा इस बार ब्लैक में लेती हूँ। मैं दोबारा व्हाइट ले रही थी, पर कार्तिक ने बोला कि नहीं नहीं ब्लैक में लो, व्हाइट ऑलरेडी है तुम्हारे पास। वहाँ पे बहुत सारे कलर्स थे, बट मैंने ब्लैक ही चूज़ किया, क्योंकि ब्लैक सब में चला जाता है। और ना जितने भी लोअर होते हैं उनकी जब ये मोड़ी बोलते हैं हम इसे, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसकी ये मोड़ी बड़ी होती है ना, चौड़ी, मुझे वो बहुत पसंद है। ऐसे खुला वाइड लेंथ वाले वो ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने ये 3 ही सामान लिया था, ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि मुझे इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा था। एंड अगर आपको भी ये लोअर चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ने मुझसे पूछा था कि मुझे ये लोअर लेना है, आपने कहाँ से लिया, तो आप H&M में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लोअर्स मिल जाएंगे हर कलर में, तो आपको जो भी फेवरेट कलर है वो पिक कर लेना। तो बस ये छोटू सा क्यूट सा हॉल था मेरा, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ एंड मुझे लेने आ रहे हैं बुब्बू, तो देखो वो आ गया। हेलो, हाय, कैसे हो? बढ़िया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये आज हम जा रहे हैं मूवी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पैसिफिक मॉल, बेसमेंट में हैं अभी हम। सो अभी मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी मूवी है? मिस्टर एंड मिसेस माही देखने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। फिर से हम आज टाइम पे, थैंक्स, क्रेडिट गोज टू मी। ओके, थैंक यू सो मच, आपने सही टाइम पे हमें लेकर आए, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पहली बार जा रहे हैं ना हम, फर्स्ट डे फर्स्ट शो।
गाइस गर्मी में ना इधर उधर घूमने से अच्छा मॉल घूमो सही है, एसी चलता रहता है 24 घंटे, तो ये बढ़िया है। देखो अपना प्यार से देहरादून का मॉल। तो गाइस मेरे कार्तिक जी को ना शर्म आ रही क्योंकि इनका पेट निकल रहा है ना अंदर, कर लिया कितनी जल्दी देखो 3-4 महीने बोल रहे, मुझे तो 2 साल हो गए बोलते बोलते, पर आपको 3-4 महीने बोल रहे, देखते हैं कि ये होते हैं कि नहीं होते। हो जाएंगे इस बार तो पक्का, क्योंकि अब सब चीज सेटल हो गया ना, पहले तो ये था कि बच्चे थे, अब तो थोड़ा सा वो था कि बड़े हो गए हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, घर वाले भी देखना है, टोन भी देखनी है, हम मूवी पहुंच गए। तो गाइस वो ना मेरा बैग चेक कर रहे थे, इसने मेरे बैग में देखो ना, लड़कियों के बैग में क्या होता है ये देखो, परफ्यूम दवाई। वो सोच रही होगी इतना दवाई परफ्यूम क्या क्या लेके घूम रही है लड़की। गाइस मूवी देखने से पहले हमने सोचा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक तो बनता ही है, तो अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं। हमारा चीज पॉपकॉर्न प्लस कोल्ड ड्रिंक आ गया है, एंड ऑल्सो घर के लिए भी दिया उन्होंने, घर के लिए भी दिया है कि घर में जाके भी खाना, एंड पहले भी दिया था घर के लिए, और हमने अभी भी वो ऐसे ही पड़ रखा है, अब ये भी जाके ऐसे ही पड़ेगा। फाइनली हमने मूवी भी देख लिया और मूवी बहुत ही अच्छी थी। आजकल हम लोग को ना ज्यादातर जो रियल ट्रू बेस्ड स्टोरी है ना वो देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, और ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप भी जाके जरूर देखना, बहुत ही अच्छी है मूवी। तुम उसमें ना उसका हस्बैंड चढ़ जाता है, ये भी ऐसे चढ़ता है थोड़ा सा भी, अगर मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं चिढ़ता भाई, I'm very loving and I'm very caring. I don't chiding. Very chidta. Chiding. इस मूवी देखने के बाद इतनी गर्मी हो रही है, तो अभी हम जूस पी रहे हैं क्योंकि हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। ये और इतनी गर्मी में तो सबसे बेस्ट बताऊँ यही है कि अगर तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है, तुम्हें घूमने फिरने का मन नहीं कर रहा, बाहर धूप है बहुत, तो जाओ किसी भी मॉल में घुस जाओ और घूम लो और बैठ जाओ, या तो पिक्चर हॉल में घुस जाओ, पिक्चर देख लो, बेस्ट चलेगा। और ये फ्राइडे वाला फंडा बता दो। फ्राइडे वाला फंडा ये है कि जब भी कोई नई पिक्चर फर्स्ट डे रिलीज हो रही होती है, तो उस दिन आपको टिकट्स बहुत सस्ते हैं मिल रहे होते हैं। अगर आप एग्जांपल लेते हैं पीवीआर का, पीवीआर में रिक्लाइनर तो आप सबको पता होगा, रिक्लाइनर सीट का टिकट नॉर्मली कितना है, 350-400, 500-600, सेंट्रियो में 600 है, पर आज जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएगा पिक्चर देखने के लिए, पूरे टाइम जितने भी शो होंगे रिक्लाइनर 199 में मिलेगी, और नॉर्मल सीट्स सारी नॉर्मल सीट्स 99 में मिलेगी, 99 ओनली। और आज हम वही करके आए हैं, 99 रुपीज में हमने एक टिकट लिया, मतलब 100-100 रुपए में हम बढ़िया सी मूवी देख के, बढ़िया पीवीआर में मूवी देख के मस्त। आप लोग भी यही ट्राई करना, हम भी सोच रहे कि अब से यही करेंगे, जब भी मूवी रिलीज होगी हम तब जाएंगे देखने। मूवी रिलीज होती है तो फर्स्ट डे उसका बिल्कुल टिकट बिल्कुल 0 प्राइस में होता है, अगले दिन से वो प्राइस बढ़ा हुआ होता है। ये मुझे आपको बुकिंग बहुत पहले से करनी पड़ेगी, पर इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है ये चीज, आप लोगों को अभी नहीं पता होगी, किसी को तो आप लोगों में से पता होगी, मुझे भी नहीं पता थी, तो हमने मतलब इसको पता भी तो नहीं मुझे पता भी नहीं थी, वो तो गलती से ऐसे हम बुक कर रहे थे तो इसको पता चल गया, फिर हम भी चलेंगे यार। चीयर्स। बहुत टेस्टी है, कैसा लग रहा, ठंडा ठंडा, तुम्हारा जूस तुम्हारे शर्ट के साथ मैच कर रहा है। पिंकी पिंकी पोंकी, फादर एज अ डोंकी, सकल भी पिंकी पिंकी हो रहा है। अभी कार्तिक कुछ सामान लेने गया है, पता नहीं क्या, अभी तक आया नहीं, मैं वेट कर रही हूँ उसका। एंड गाइस पता नहीं ये मेरे स्किन में क्या हो गया है, ये छोटा सा रेड पोर्शन, पिंपल भी नहीं है, पता नहीं क्या है, और जब भी मैं ब्लश लगाती हूँ तब ज्यादा हाईलाइट होता है, वरना दिखता नहीं है, गर्मी से होगा, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ इसीलिए शायद।
और मैं फेस में कुछ यूज़ भी नहीं करती क्योंकि इतना स्टिकी स्टिकी अजीब सा हो जाता है, ऐसे चिपचिप चिपचिप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगाती। सीधा थोड़ा सा ब्लश लगा देती हूँ टिंट, और लिप्स में भी थोड़ा लिपस्टिक खत्म। तो गाइस कार्तिक जी भी आ गए, कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? अरे ऐसे कुछ सामान लेने गया था मैं। तो क्या बाहर कैसा तापमान है? अरे बहुत गर्म है भाई बाहर, तभी तो बोल रहा तुम गाड़ी से बाहर मत उतरो, इतना गर्म हो रहा। तुम्हारा बिल्कुल सुंदर सा चेहरा जो लाल लाल हो रहा है और लाल हो जाएगा। देखा मेरी कितनी केयर करता है ये। तो गाइस कार्तिक उनियाल जी बोल रहे थे कि कैमरा खोलो कैमरा खोलो, तो मैंने खोल दिया कैमरा। अब बताओ कैसे हो आप लोग? तो इतने समय बाद मैं कुछ तुम्हारे सरप्राइज आया हूं, गेस करो क्या होगा? खाने की चीजें ही होंगे। खाते ही रहोगे क्या हमेशा? बस नहीं, कुछ एक ऐसी चीज दूंगा तुम्हारे लिए, एक ऐसी चीज है जो तुम उसको अगर मैं तुम्हें दूं तो तुम उसे संभाल के रखोगे अपने पास? हाँ है ना। हाँ। कितने अच्छे से रखोगे? बहुत अच्छे से रखोगे। अच्छा तो चलो आग बंद, आईज क्लोज। ये कितनी उंगलियां है? चार। बस ठीक है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कुछ दिख रहा है? नहीं। अंधेरा तो दिख रहा होगा, हटो ना। ये जो गिफ्ट देने वाला हूँ ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इसको अपने मेरे दिल, ये समझो कि मैंने अपने बिल्कुल दिल से निकाल के दिया है। दिल तो नहीं दे रहे? ना, हाँ दिल तो तुमने पहले से ले रखा, और इसके अंदर ना मेरी फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस है, ठीक है? बदबू वाली, खुशबू वाली, अच्छी वाली। मेरे से बदबू आती नहीं है भाई कभी भी, ठीक है? झूठ झूठ झूठ। तो वन, पसीने की बदबू तो आती है। वन, चल सारा सब सच्चाई बता दो इनको, इसकी में चिल्ला चिल्ला के गिफ्ट की अहमियत देखना, और ये मत बोलना कि इतना छोटा सा गिफ्ट लेके आए हो, ठीक है? टन टन, आई लव यू, लव यू टू, इसको अब देखो इसके अंदर मेरी स्मेल होगी, सुनो। हाँ पसीने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस, यू आर वेलकम। वैसे मुझे कोई फूल नहीं देता, बट थैंक यू, ऐसे छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती मेरे लिए बहुत ज्यादा। कुछ अब रोना मत प्लीज, अब रोना मत, मेरे बच्चा रोना मत। बट फिर भी थैंक यू सो मच। तो गाइस हमेशा ऐसा होता था कि मेरे को ना कोई भी बोलता था कि मैं जैसे अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठता था तो मैं उनसे पूछा, उन्होंने बोला हमने ग्राफिकर में एडमिशन ले लिया, मेरे को तो पता था कॉलेज का नाम, मेरे को ये नहीं पता था ये कॉलेज कहाँ है। वो बोलते थे क्लेमेंट टाउन, मुझे क्लेमेंट टाउन तक नहीं पता था क्लेमेंट टाउन कहाँ है, इतना पता था हाँ क्लेमेंट टाउन में बुद्ध टेम्पल है ये पता था, पर मैं कभी आया नहीं था ये सब। जब से ये मिली मुझे जिंदगी में मेरी, जब से मेरे साथ नहीं दोस्ती के बाद से ही ऐसा हो गया था, जब से हम दोस्त बने ना तब से मैं चक्कर लगने लग गया क्लेमेंट टाउन का, फिर मुझे पता चलने लगा अच्छा भाई ये यहाँ है और ये बहुत दूर है। पर ये पर सच में गाइस इसका घर और मेरा घर मतलब सच में बहुत बहुत दूर है, मतलब फिर भी ये बंदा आता है मेरे, वेरी प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ माय सेल्फ, वेरी प्राउड ऑफ मी बोले यार, प्राउड ऑफ माय सेल्फ कर रहे ज्यादा, प्राउड ऑफ यू, यस यू शुड बी, एंड आई मतलब ये बंदा को ना थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होता कि यार छोड़ना इतना दूर है क्यों जाओ, मतलब मैं जब भी बोलती हूँ ये आ जाता लेने, मतलब इतना ही प्यार करते हो तुम मुझसे, पर बहुत दूर है सच में, इसका घर और मेरे घर का डिस्टेंस लगा लो 16-17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वो भी बहुत दूर होता है, वो भी शॉर्टकट से, शॉर्टकट से लॉन्ग कट जाओ तो और दूर, और ये सब छोड़ो बीच में ट्रैफिक भी इतना है। हाँ कितना सारा ट्रैफिक, कभी ये स्कूटी से आता है कभी गाड़ी से आता है, फिर भी यार। ये देखो गाइस मेरा क्यूट सा हैंडसम सा ब्रो आ रहा है, ये सैफ कैसा लगता ना? कैसा लगता है? क्यूट लगता ना सैफ, हमारे क्यूटी सैफ। नमस्कार भाई, हाय। तुझे कैसा लग रहा सैफ बनके? अबे गर्मी से परेशान हो गया यार, भयंकर गर्मी हो रही है। नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुझे सैफ, अच्छा मुझे तो मजा आ रहा है, क्या भयंकर गर्मी हो रहा है यार, बेचारा किचन में रहता है 24 आवर्स, ऐसा गर्म हो गया। मेरा भाई बहुत मेहनती है। तो अमृत जी आप कहाँ काम करते हो बता दीजिए। मैं काम करता हूँ जो कि है नई बस्ती में लोकेटेड, ये है हमारा नया अभी खुला रेस्टोरेंट एंड कैफे, इसका नाम है वाइल्ड विस्टेरिया। यहाँ पे आपको जितने भी वेस्टर्न फूड वगैरह सारे आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल, कोरियन, चाइनीज और टिबेटियन, आपको सारे वेराइटीज़ के फूड मिलेंगे।
जब आप आओगे आपको मजा आ जाएगा। और नीचे हम लोग का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बार भी है हमारे पास। गाइज ये थोड़ा सा शाय है ना, इसलिए कैमरे में बिना देखे बोल रहा है। गाइज अगर आप लोग आएंगे तो आपको, अगर गाइज आप लोग आएंगे ना तो इनकी तरफ से आपको डिस्काउंट मिलेगा। गाइज अगर आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे मेरी तरफ से 5% का डिस्काउंट मिलेगा। मजाक कर रहे हैं गाइज, ये इनकी बात मत सुनना। डिस्काउंट का पता नहीं, डिस्काउंट का पता नहीं, बट आप आ सकते हो, खाना बहुत ही अच्छा है। एंड ये देखो इसका लोकेशन, ये कितना क्यूट है ना दिखने में भी, तो आना जरूर यार। तो गाइज मेरा घर भी आ चुका है और मैं जा रही हूँ। अच्छा चलते हैं, बाय। मुझे लगा रोगे तुम। रोना क्यों है? मुझे लगा तुम बहुत मिस करोगे मुझे। बाय। करूंगा मिस। एंड संभाल के रखना। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और ये देखिए मुझे लेने कौन आया है, शुगर। हाय छोटू मोटू पुंटू। तो गाइज अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, बट देखो कितना पसीना अभी भी आ रहा है। इतनी गर्मी क्यों हो रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। देहरादून में अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं राशन लेने, क्योंकि घर में राशन खत्म हो चुका है, मंथ का एंड भी चल रहा है, तो इसलिए अभी राशन भरने जा रहे हैं हम। तो गाइज काफी लोग मेरी मम्मी को याद कर रहे थे, हाय बोल दो। हाय। तो सब बोल रहे थे कि आपकी मम्मी के साथ ब्लॉग बनाया करो। चलो मेरी मम्मी आज मेरा घड़ी लगा रही है, थैंक यू। सही तो लगा रहे हो? क्यों, हमने घड़ी कभी नहीं लगाई। थैंक यू सो मच। टाइम सही चल रहा है? घड़ी का तो सही चल रहा है, पर मेरा खराब चल रहा है। तो गाइस बहुत चल लिया, बहुत थक गए। अभी अमृत हमें स्कूटी देने आया है, तो अभी स्कूटी में अपने धन्नू में जाऊंगी। गाइस राशन भी ले लिया है पूरा भर के, मम्मी मेरा फायदा उठा रही है। उठा रही है, एक तो हिंदी भी माँ भयंकर ही है। आज मेरी मम्मी मेरा फायदा उठा रही है, सारा राशन भर रही है घर का। मुझे लगा मम्मी के साथ में दुकान तक आना है, पर ये मम्मी तो बहुत चलाक निकली और कितने शांति से खड़े हो जैसे कुछ भी नहीं। पता है यहाँ आके क्या बोल रही है कि तू पैसा देगी, ज्यादा हीरोइन बनते हो। तो गाइज अभी मम्मी सब्जी लेने गई है एंड यहाँ पे इतना सारा भीड़ है, देखो कितना भीड़ है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ, मम्मी वहाँ जा रखी है। गाइज जैसे मंडी में ना सब्जी लेने आना बहुत भयंकर है यार। हमें पता है 20 रुपए का 12 केला मिल गया, 13 रुपए का ये तरबूज मिल गया और 80 रुपए का 1 किलो आम मिल गया। वाह, हमने तो भर भर के सब्जी ले लिया है। तो गाइस काफी टाइम बाद मैं आई हूँ अंकुश जी के घर और मैंने ना ये तरबूज लिया था, तो इसने बोला दीदी इसको चेक करके लेते हैं। अब ये सब तो दिमाग मेरे अंदर है नहीं, तो ये बोल रहा कि रुको चेक करते हैं, तो अभी ये चेक ही कर रहा कि इसके अंदर लाल लेके क्या है। तुझे क्या लगता है क्या है? लग तो लाल रहा है, लग तो ठेला लाल रहा है। 13 रुपए का माल है, कितना ही लाल देगा ये? नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता ये। बैस की पूछ, 13 रुपए में कमाल है यार। तू कर ले, अभी तो गर्म है मजा नहीं आएगा। यहाँ हमारे साथ छोटू भाई भी है, तेरा हाथ ठीक है? बढ़िया। तो मेरा तरबूज बहुत अच्छा निकला। मतलब मैंने जो खरीदा है तरबूज वो बहुत अच्छा लगा निकला। तो गाइस मुझे देख के ना अंकुश ने भी अपना रूम मेकओवर किया है। हेलो हटा दे। 1 2 अभी मेकओवर नहीं किया, जस्ट हैकल करा है इसको। हाँ, अंकुश का फेवरेट कलर है पिंक। पीची पीची कलर है पर बहुत क्यूट लग रहा है, बढ़िया। पर इसमें ना अब तू ना पर्दा ना व्हाइट लगाइयो, व्हाइट या तो फिर डार्क में रेड लगा दे, क्योंकि उसका हाँ क्योंकि ऊपर देख लाइन रेड है ना। ग्रीन लगा, ऑलिव ग्रीन अच्छा लगेगा। वैसा ना थोड़ा सा पेस्टल ग्रीन होता है ना, वैसा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, थोड़ा कलरफुल लगेगा, क्योंकि तेरा बेड देख ग्रीन और इसका कॉम्बिनेशन है ना। चेंज कर दूंगा तो जस्ट कमरा सेटल करने के लिए। देखो ओ बैंकर, हाँ मेरे दादू का टाइम था। तो गाइस देखो यहाँ पे फोन भी है। अबे अबे 20 साल पुराना फोन है वो, तब तो भाई इसकी कीमत बहुत होगी। भेज दू जाके, आपने पकड़ा है ना इसमें तार जुड़ती है मैडम, पहले सेल फोन लिए भेज दू जाके इसको, आधा आधा कर लेंगे। कहीं तेरे ये वो नहीं है क्या बोलते खानदानी निशान है? दादा के टाइम का है वो मेरे। ठीक है गाइज इसकी ये खानदानी है, तो इसको रख देते अच्छे से। कमरा इज वेरी, मतलब वाइब बहुत अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है कमरे का। थोड़ा मेकओवर और हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा।
तो गाइज अभी मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, देखो कितना डिलीशियस टेस्टी, मुंह में पानी आ जा रहा है इसको देखते ही, तो अभी खाते हूँ खाना। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्या करने का, डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।